गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप दैट यू ऑल आर फाइन। अभी मैं वॉक से आ चुकी हूँ और वॉक से आते वक्त मैं दूध लेके आई थी। अभी मैंने दूध गर्म करने रखा है और साथ में यहाँ पे है बिटर गर्ड जूस, यानी करेला जूस, जो घर पे कैसे बनाते हैं वो मैंने मेरे प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। और मैंने एक्चुअली इसे कंज्यूम करना स्टार्ट नहीं किया था, फ्रेंकली स्पीकिंग, और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हेलो गाइस, अभी मैं पी रही हूँ बिटर गर्ड जूस। एक्चुअली पीने का मुझे बिल्कुल मन नहीं है, बट एक रीज़न है इसके पीछे। आई एम अ डायबिटिक एंड राइट नाउ माय शुगर लेवल्स आर स्लाइटली हाई, सो डॉक्टर हैज़ रिकमेंडेड मी टू ड्रिंक बिटर गर्ड जूस ऑन डेली बेसिस, एम्प्टी स्टमक। दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस। और एक चीज़ अभी रूटीन में, क्या करें, कांट हेल्प। आज का ब्रेकफास्ट रेडी है, गर्मा गर्म पोहा। आइए आप सब हमारे साथ पोहा खाने के लिए। अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी यहाँ पे बन चुकी है गर्मा गर्म चाय सुधीर के लिए और हमारे हाउस हेल्पर दीदी के लिए। ओके गाइस, अभी यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है कुकर, जिसमें तुअर दाल मैंने पकने रख दी है और साथ में यहाँ पे मैं भून रही हूँ बैंगन। आज का लंच मेन्यू है दाल और बैंगन का भरता। आज एक्चुअली हमारी हाउस हेल्पर दीदी से मैंने सिर्फ रोटियाँ बनवा के लिए है और भरता और दाल मैं बनाऊँगी। और अब ये सारे बर्तन साफ करके ट्रॉली में रखूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ। गेहूं का आटा ख़त्म हो गया है और अभी मैं गेहूं चक्की में पीसने दे रही हूं। बैंगन के भरते की और मेथी के दाल की सब तैयारियां मैंने कर ली है, सारी सब्जियां चॉप कर ली है। ये है बैंगन के भरते के लिए तैयारी। बैंगन भून चुका है और यहां पर दाल पक चुकी है और मैंने मेथी, लहसुन और मिर्ची तीनों भी अच्छे से चॉप करके लिया है। चलो फटाफट बना लेते हैं दोनों भी साइड बाय साइड।
आफ्टरनून लंच इज़ रेडी। ये रही गर्मा गर्म मेथी की दाल, और ये रहा बैंगन का भरता, और ये रही जवार बाजरे की रोटी। एक्चुअली आज मैंने सबके लिए जवार बाजरे की रोटी ही बनवा के ली है हाउस हेल्पर दीदी से। और ये रहा नींबू का अचार। सो गाइज, आप भी ज्वाइन करिए हमें लंच के लिए। ओके गाइज, आई एम डन विथ माई लंच, एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर वन फन एक्टिविटी फॉर किड्स फॉर प्री स्कूलर्स। और ये एक्टिविटी है नंबर लाइन एडिशन एक्टिविटी, जिसमें बच्चे खेलेंगे और सीखेंगे, दोनों साथ में करेंगे, जिससे बच्चे बोर भी ना होंगे और जल्दी से चीज़ें ग्रास भी कर लेंगे। चलो फिर सीखते हैं नंबर लाइन एक्टिविटी। दिस इज़ अ नंबर लाइन, और इसके ऊपर मैंने 0 से 10 तक नंबर स्टिक किए हुए हैं। दिस इज़ एन एक्टिविटी फॉर प्री स्कूलर्स, और ये नंबर लाइन मैंने कलर्ड सेलोटेप फ्लोर पे स्टिक करके बनाई हुई है। पहले हम लोग कलर्ड सेलोटेप स्टिक करेंगे और उसके ऊपर 0 to 10 तक नंबर्स हम लोग डबल साइडेड सेलोटेप से स्टिक करेंगे। अगर आपके पास कलर्ड सेलोटेप या नंबर्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप ये नंबर लाइन चॉक या मार्कर की सहायता से भी बना सकते हैं, और 0 to 10 नंबर्स आप उसके ऊपर लिख सकते हो चॉक या मार्कर की सहायता से। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। लेट्स प्ले वन नंबर लाइन एडिशन एक्टिविटी। आर यू रेडी अनन्या? ओके, आई विल गिव यू वन सम एंड यू हैव टू जंप अकॉर्डिंगली एंड गिव मी द आंसर। ओके अनन्या, your sum is 3 plus 2. One long jump and number 3 and two short jumps. 1 2. 3 plus 2 is equal to 5. Very good Ananya. I will give you one more sum. Go and stand on number 0. Okay Ananya, 0 plus 5. No long jump and 5 short jumps. 1, 2, 3, 4, 5. What is your answer? 0 plus 5 is equal to 5. Excellent Ananya, well done Putta. Are you ready for number line addition activity? Yes. Okay, let's start. Your sum is 3 plus 0. 1 long jump and number 3. No short jumps. What is your answer? 3 plus 0 is equal to 3. Very good. ड्यू टू कोविड अभी हम बच्चों को कहीं बाहर नहीं ले जा सकते। बच्चे घर में बैठ के बोर हो जाते हैं, बेचारे घर में कैद हो चुके हैं, और ऐसे समय में हम लोग ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज उनको सिखा के उन्हें पढ़ा भी सकते हैं, और बच्चे एंगेज रहते हैं, बोर भी नहीं होते हैं, प्लस वो चीज़ें जल्दी से सीख भी जाते हैं।